सुजीत से तेरे रिश्ते की बात करने ही वाली थी कि तू बीच में टपक पड़ी। और सुजीत तो काकुल के भाई की तरह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार, जैसे हनुमान जी थे ना सीता मैया के लिए पूरी तरह समर्पित, वैसे ये सुजीत है काकुल भक्त। हम दोनों से जरा सी चूक हुई नहीं कि लंका में आग लगाने से बाज नहीं आए गए, समझी तुम? मेरे पास एक सुझाव है बेटा। बताइए अब क्या कहना चाहते हैं? अगर सुजीत की शादी देविका से हो जाए तो? ये तो एक सुझाव है बेटा, दिमाग में ऐसे आया कह दिया। भाई अगर तुम्हें ठीक लगे तो, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? आप इस बारे में कब से सोच रही हैं मम्मी जी? अब बहुत दिनों से तो नहीं, पर अभी हाल में बेटा जब तुम्हारी जीजू की हालत देखी ना, मुझसे रहा ही नहीं गया। पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले कैसे काटेंगे? बेटा सुजीत बाबू हमारे भी तो कुछ लगते हैं, तभी मैंने सोचा बेटा अगर हम उनके भले के बारे में नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? हम जानते हैं मम्मी जी, अब आपने हमें अपने बहू के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि आप इतने दूर की सोच बैठे हैं। बेटा मैं तो दोनों परिवारों के भले के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मम्मी जी सच कहे तो आपने तो हमारी मुंह की बात छीन ली। सच मम्मी जी, ये सुनकर हम बहुत खुश हैं। अगर देवी का दीदी की शादी जीजू से हो जाती है तो हमसे ज्यादा खुश और कौन हो सकता है? इसी जन्म में देवी का दीदी का कर्ज चुकाने का मौका मिल जाता है हमें, जिसकी उम्मीद तो हम बिल्कुल खो बैठे थे। हम जब भी देवी का दीदी के बारे में सोचते हैं हमारा मन हमें धिक्कारता है, क्योंकि हम जानते हैं देवी का दीदी की इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ हम ही हैं। हमारी वजह से उनकी शादी टूट गई थी, हमने उनकी खुशियां छीन ली थी। ना बेटा ना, तू अपने आप को दोष मत दे, वो तो मेरी मत मारी गई थी कि मैं तुझे जिम्मेदार ठहरा रही थी। जो कुछ भी हुआ ना उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। लक्ष्मी है बेटा, उत्तरा आज तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अम्मा मेरी तबीयत आज ही तो ठीक हुई है। अम्मा घर में घी के चिराग जलाने की तैयारी कीजिए, मेरी बहू इस घर में फिर से खुशियां ला रही है। मैं मिठाई लेकर आती हूँ। मम्मी जी आप क्यों तकलीफ उठा रही हैं? मम्मी जी हम जाते हैं ना। अरे रहने दे, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। बेटा तो एक काम कर, तुम्हारी फैमिली के कोई डॉक्टर को बुला ले उत्तरा के। क्यों? अरे मेरी बहू को पागलपन का दौरा पड़ा है। दादी पागल तो हम हुए जा रहे खुशी के मारे।
अभी मेरे लिए ही डॉक्टर को बुला दे। तुम दोनों को खुशी होते हुए देखकर मैं भी पागल हो रही हूँ। दादी, कभी कभार ना पागल होना भी अच्छा। आपको पता है क्या होने जा रहा है? देवी का दीदी और सुजीत जीजू का रिश्ता होने जा रहा है। या? ना। तो फिर मैं भी खुशी के मारे पागल हो जाऊंगी। पता है वो मुझे पहले से ही मालूम था कि मेरी बहू काकुल ही इस घर का उद्धार करेगी। बेटा, मैंने अभी अभी तुम्हारे पापा से बात की है। वो सम्मान को लेकर शाम को जल्दी घर आ जाएंगे। मम्मी जी, हमने भी सम्मान से बात कर ली है। बेटा, तुमने सम्मान को इस बारे में कुछ बताया तो नहीं? नहीं मम्मी जी, पहले हम जीजू और बाबूजी से बात करेंगे। दरअसल वो लोग पटना गए हैं, कल लौटेंगे। बेटा, मैं पता क्या सोच रही थी कि देविका और सुजीत के बारे में अगर तू ही सबको बताए ना तो ज्यादा ठीक रहेगा। सबको लगेगा कि ये तेरा ही प्रस्ताव है। क्योंकि बेटा, अगर मैं ये बात करूंगी ना तो लोग तो यही सोचेंगे कि इसमें मेरी कोई नई चाल है। मम्मी जी प्लीज ऐसा मत सोचिए। अब से देविका दीदी की शादी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन मम्मी जी, आपने देविका दीदी की रजामंदी तो ले ली है ना? हाँ हाँ, मेरा मतलब था कि अब जब रिश्ते की बात चल रही है तो मैं उसको मना लूंगी। मुझे सबसे पहले देविका को खबरदार करना होगा कि जब तक काकुल सबसे बात ना कर लेना, वो अपना मुंह खोलकर कोई बेवकूफी ना करे। मम्मी जी, क्या सोच रही हैं आप? देखना बेटा, इतनी भुलक्कड़ हो गई हूं मैं। तेरा वधु प्रवेश तो किया लेकिन तुझे नेक देना भूल गई। ठहर, अभी लेके आती। मम्मी जी, इतनी जल्दी भी क्या है, बाद में दे दीजिएगा। एक बार जीजू और देविका दीदी की शादी हो जाए फिर तो हम दो दो नेक लेंगे। एक भाभी होने के नाते और एक बहन होने के नाते, क्योंकि दीदिया की जगह लेने के बाद देविका दीदी भी तो हमारी दीदी बन गई ना। अरे दो नहीं, मैं तुझे तीन नेक दूंगी। तीसरा मेरी प्यारी बहू होने के नाते। हमें किसी भी तरह जीजू को मनवा कर ये रिश्ता तो करवाना ही होगा। बातें कर रही है मुकेश। ओफो, कब से तेरा फोन लगा रही हूँ, किससे बात कर रही थी? माँ, मैं सुजीत से बात कर रही थी। अच्छा अच्छा क्या अच्छा? अच्छा कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं उनसे मिलने के लिए बात कर रही थी, उन्होंने लेक्चर दे दिया मुझे, काम कर रही है। मैं यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि देख बेटा, अपनी तरफ से कोशिश करके तू बनी हुई बात बिगाड़ मत देना। काकुल सबसे बात करने के लिए राजी हो गई है, फोन पर नहीं बताती। तू जल्दी से घर आ जा, फिर सब बताती हूँ। सच कह रहे दादी, अगर हम सचमुच देविका दीदी का रिश्ता जीजू से कर सके तो हमें बहुत खुशी होगी।
बेटा अगर तुम दिल से चाहती है ना तो वैसा ही होगा। बेटा काकुल अगर तुम्हारे सारे काम खत्म हो गए हो ना तो जाओ चिराग से जाकर मिलाओ और हो सके तो अपने जीजू से बात भी कर लेना। क्यों भाई काकुल को क्या बात करना है हमसे, हम भी तो जाने लीजिए, हम खुद हाजिर हो गए चिराग के साथ। बताइए। आइए दामाद जी आइए। आश्चर्य क्यों हो रहा है? अरे सुनो, ये त्रिशा बिटिया काकुल की बहन थी ना, तो हमारी बेटी हुई ना, क्यों दामाद जी? अरे बैठिए ना। जी जी बैठते हैं। अरे काकुल जाओ दामाद जी के लिए कुछ चाय। नहीं नहीं रहने दे, तू बात कर मैं लेके आती हूँ। अम्मी जी आप रुकिए हम जा रहे हैं। ओहो अम्मा समझाइए ना अपनी बहू को कि बैठे और अपने जीजू से बात करे। काकुल बेटा तुम बैठ जाओ, तेरी सास को ना घर के कामकाज का बहुत शौक, बैठ जाओ। होता तो नहीं दादी जी ऐसा चमत्कार, ही कलयुग में तो नहीं होता है, मतलब सुनते तो विश्वास नहीं करते लेकिन ये तो हम आंखों से देख रहे हैं, चमत्कार है, दुआ है ऊपर वाले का, खुशकिस्मती हमारे काकुल का है? ये देखिए इमोशन में हम तो जो है काम का बात तो भूल गए, वो पटना से फोन आया था बाबू साहब का काकुल, तो हमें जाना पड़ेगा, अर्जेंट काम है। कितने दिनों के लिए जा रहे हैं सुजीत जी? वो तो वहीं जाके पता चलेगा, वो देखते हैं काम होते आ जाएंगे बस। अरे अब इतना जल्दी आ गई, कमाल है, मतलब इतना जल्दी फिनिश करके सारा काम, वर्किंग वुमन अच्छा लगता है। और ये चिराग तो इतना बेताब हो रहा था आपके साथ खेलने के लिए, चलिए बहुत ही अच्छा हुआ क्या बाकी। अरे वो देर हो रहा है, चलें छुटका बाबू, लो काकुल संभालो इसे। अच्छा जी चलें, देर हो रहा है, नमस्ते। देविका दीदी लीजिए संभालिए अपने लाड़ले को। देविका दीदी एक बात बताइए, चीजू आपको कैसे लगते? अरे काकुल देख नहीं रही हो, सुजीत बाबू के जाने से इसका चेहरा कैसे मुरझा गया है। देविका बेटा सब्र रख, कुछ ही दिनों के लिए पटना गए हैं, जल्दी आ जाएंगे। हाँ सबर का फल मीठा होता है। काकुल आज ऑफिस का पहला दिन बहुत अच्छा रहा, तो कहते हैं ना शुरुआत अच्छी हो तो आगे भी सब कुछ अच्छा होता है। आज एक अरसे के बाद पापा के साथ कुछ वक्त साथ में गुजारा, इधर उधर की बातें की, बिजनेस की बातें की, पुरानी यादें ताजा हो गई। क्या बात है मैडम, ये मन ही मन मुस्कुराने की वजह?
बात अगर खुशी की हो तो चेहरे पर मुस्कुराहट तो आ ही जाती है ना। जरा जरा हम भी तो पढ़े, ये मुस्कुराहट मन हटती है। आपके चेहरे से तो ऐसा लग रहा है कि आपका इरादा कुछ और ही है। इरादा चाहे जो भी हो पर नेक है। ऐसे मैडम इस मुस्कुराहट के पीछे कौन सी खुशी है वो जानने के लिए मुझे आपका चेहरा पढ़ने की जरूरत नहीं। कौन सी खुशी? मैं भी जाके सबको बता के आता हूँ कि इस घर में एक नन्ना सा मेहमान आने वाला है। सम्मान पूरी बात तो सुन लीजिए, कोई नया मेहमान नहीं आने वाला, बल्कि एक नए सदस्य का इस घर से एक नया नाता जुड़ने वाला है। हम देविका दीदी के रिश्ते की बात कर रहे हैं। अपने जीजू के साथ That's a good news. Good news. अब समझ में आया माँ को तुम्हारे वधु प्रवेश की इतनी जल्दी क्या थी? क्यों तुमसे इतना प्यार का ढोंग करेगी, नाटक करेगी? तुझे क्या देख के लगा कि मैं ढोंग कर रही हूं? मम्मी जी की कोई गलती नहीं है, ये सुझाव तो हमारा था। पता बेटा, मैं भी तो सुनूं कि मेरा बेटा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। कुछ नहीं मैम, I'm really sorry, मुझे लगा कि आपने काकुल से कहा है देविका दी और सुजीत जी के रिश्ते की बात करने। बेटा अगर मैंने कहा भी है तो क्या बुराई है इसमें? कौन माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में हो? और एक भाई होने के नाते क्या तू नहीं चाहता कि तेरी बहन की शादी एक अच्छे घर में हो? क्यों नहीं चाहूंगा माँ, और अगर ये रिश्ता पक्का हो गया तो हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। देविका दी की जिंदगी तो खुशियों से भर जाएगी। ये रिश्ता क्यों नहीं होगा सम्मान? जरूर होगा ये रिश्ता। वो तो आज जीजू पटना चले गए, वरना हम आज ही बात छेड़ने वाले थे। काकुल बेटा जल्दी आओ, पटना से तुम्हारे बाबूजी का फोन है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने ओम शंकर जी। शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत। ये लीजिए आ गई का, बात कीजिए। हेलो 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 बाबूजी। हाँ बताइए। हेलो हेलो बाबूजी, क्या खुशखबरी है? हेलो, सारी दुनिया को खुशखबरी सुना दी, बिटिया को जो ही सुनाने को हुआ बैटरी चली गई। कमाल है, अरे जल्दी चलाओ भाई, बैटरी चली गई है। फोन कट गया। ओम शंकर जी, सुजीत बाबू के रिश्ते की बात कर रहे थे। सच कहूं तो सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने सुजीत बाबू का रिश्ता पक्का कर दिया है। उनकी कोई दोस्त की बेटी है, वहीं पटना में रहते हैं।
जीजू का फोन है। हेलो। अरे काकुल, क्या बात क्या है? तुमने यूं अर्जेंटली फोन करने के लिए कह दिया? बात ही कुछ ऐसी है जीजू, बाबूजी से आपकी कोई बात हुई है जीजू? अरे उनसे कहां बात हुआ है, कितने घंटों से बैठे हुए हैं वो सीएम साहब के साथ मीटिंग में। वो इलेक्शन का टाइम चल रहा है ना, ससुरे घेरे रहते हैं उन्हें सारे टाइम। लेकिन तुम इतनी बौखलाई हुई काहे सुनाई दे रही हो हमें, इतनी परेशान, क्या बात है? भाऊजी ने हमसे कहा कि वो आपका रिश्ता माथुर अंकल की बेटी के साथ करने वाले हैं। ओ, तो ये खबर तुम तक भी पहुंच गया। तुम रिश्ता तय होने की बात कर रही हो, यहां तो फिर भी हो गए। और कल हम लोग स्विट्जरलैंड जा रहे हैं हनीमून के लिए। अरे बौरा गई हो क्या काकुल तुम? हम ऐसा सोच भी सकते हैं? हम किसी को त्रिशा की जगह आने भी दे सकते हैं हमारी जिंदगी में? वो हम तो अच्छा, तो ये बात था जिसने तुम्हें इतना परेशान कर रखा था। आराम से सो जाओ काकुल, बेफिक्री से। हम ना ऐसा सोच सकते हैं ना ऐसा कर सकते हैं। वो चिराग बाबू कैसे हैं? वो अच्छा है, फिलहाल तो सो रहा है। जीजू, हमें आपसे कुछ और बात करनी थी। बोलो। जीजू, समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात आपसे फोन पर करनी चाहिए या नहीं। खैर, आप आ जाइए, फिर आमने सामने बैठकर बात कर लेंगे। चलो ठीक है। तो अगर तुम्हें हमारे फेसियल एक्सप्रेशन देख के ही बात करने का इतना शौक है तो फिर सुबह तक तो वेट करना पड़ेगा तुम्हें। फिर हम जब वहां आएंगे तो आमने सामने बैठ के बात करेंगे, फेस टू फेस। ठीक है। चलो तो काकुल, रखते हैं फिर हम। चलो सो जाओ, गुड नाइट। गुड नाइट। ओह, तो ये चक्कर था। बाबू साहब इसलिए बुलाए थे ना? मैडम होगी तसली, अब तो सो जाइए। हाँ, लेकिन पहले देविका दीदी को बता कर आते हैं ताकि वो भी चैन से सो सके। देख लेना बेटा, अगर काकुल ने ये रिश्ता नहीं करवाया ना, तो जितनी धूमधाम से मैंने उसका इस घर में वधू प्रवेश कराया था ना, उससे भी ज्यादा धूमधाम से विदाई करूंगी उसकी। ऐसा करने से क्या हो जाएगा माँ? मैं तो वहीं की वहीं रह जाऊंगी ना, अकेली। कहीं ना कहीं दोष मेरी किस्मत का ही है, मेरी ही कुंडली खराब है माँ। वरना जिसको भी मैंने आज तक चाहा वो मिलता क्यों नहीं है मुझे? दोष मेरी ही कुंडली का है ना माँ? ऐसे नहीं कहते बेटा, तेरी कुंडली में कोई दोष नहीं। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि जो कुछ भी दोष है ना, इस काकुल की कुंडली में। जहां जहां इस काकुल के मनहूस कदम पड़े ना, वही बंटाधार हो गया। लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? थोड़ी देर पहले जो हमें खबर मिली है ना काकुल, उससे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात और कोई नहीं हो सकती हमारे लिए। हम माँ बीती की नींद तो कब की उड़ चुकी है, अब तुम भी जाकर आराम से सो जाओ। हम आराम से कैसे सो सकते हैं जी? जब तक हम अपना वादा नहीं पूरा कर लेते, अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा लेते, हम आराम से नहीं सो सकते हैं जी। तो यहाँ हमारे साथ क्या जगराता करने आई हो? नहीं मम्मी जी, हम तो बस ये कहने के लिए आए थे कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए,
निराश मत होइए, कल एक नई सुबह एक नई उम्मीद लाएगी। जिस विश्वास के साथ आपने हमें इस घर की बहू के रूप में स्वीकार किया है, उस विश्वास का मान रखना है हमें। हम हैं मम्मी जी, और अब हम कोई सपना नहीं टूटने देंगे। हमने जीजी से बात कर ली है, और उन्होंने हमसे कहा है कि वो ऐसे किसी रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे जिसमें हमारी रजामंदी या हमारी खुशी ना हो। बेटा, इसका मतलब सुजीत से बात हो गई तुम्हारी? तुमने देविका की बात छेड़ी, कुछ कहा उन्होंने? नहीं मम्मी जी, सारी बातें तो हम नहीं कर पाए। वो लोग कल सुबह आ रहे हैं, जैसे ही आएंगे हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन खुशखबरी यही है कि जिस रिश्ते के लिए बाबूजी ने जीजू से कहा था, जीजू ने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया। मैं जानती थी बहू की तुम्हारे कदम कितने शुभ हैं, तभी तो मैंने इतनी विधि पूर्वक अपनी बहू का वधु प्रवेश करवाया था। घर की लक्ष्मी घर लौट आई, अब तो इस घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आएंगी। ऐसा ही होगा मम्मी जी। पापा, आपने सारा समय देखा? क्या हो गया है? वो पटना से मुंबई आ रही फ्लाइट क्रैश हो गई पापा। कर 40 मिनट पर पटना से मुंबई जाने वाली फ्लाइट का उड़ान के कुछ समय बाद ही अचानक कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया है। फ्लाइट में चालक सदस्य के सहित 180 यात्री सफर कर रहे हैं। रडार से विमान की स्थिति का पता ना चलने पर यही अनुमान लगाया जा रहा है कि पटना से मुंबई आने वाली फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। फाल्गुनी सहारा प्रणाम। फ्लाइट में तो जीजू और बाबूजी आ गए थे। का फोन नहीं लग रहा है सम्मान। काकुल, सुजीत जी का फोन ट्राई करो। उत्तरा, क्या हुआ तुम्हें? उत्तरा, संभालो अपने आप। मामी जी, उत्तरा चलो चलो कमरे में चलकर आराम कर लो। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में काकुल के मुंह से शब्द निकले कि मेरे लिए मेरा मायका मर जाएगा। देखा कैसी जबान है, सब सच हो गया। सब सच हो गया। उत्तरा तुम चलो कमरे में आराम करो, डॉक्टर आने वाला है। अब क्या होगा मेरी देविका का? बड़ी मनहूस जबान वाली है ये। कमरे में चलो।
इनका बीपी बहुत बढ़ गया है। उत्तरा जी, अब आप ज्यादा मत सोचिए, आराम कीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरी बहू के परिवार सब खत्म हो गया, कैसे आराम? उत्तरा प्लीज प्लीज शांत हो जाओ। उत्तरा कैसे शांत हो जाओ? मेरी बहू की बदकिस्मती तो देखिए, जिसकी वजह से मेरी बेटी का नसीब ही फूट गया। वो बहुत ही मनहूस घड़ी थी जब मैंने वधु प्रवेश किया था। मैंने तो लक्ष्मी का स्वागत किया था, मुझे क्या पता था कि मनहूसियत भी साथ में चली आएगी। मुझे यकीन हो रहा है मां, सारा दोष मेरी ही कुंडली का है। मैंने जिससे भी प्यार किया है छोड़कर चला गया है वो मुझे। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है मां? बेटा ऐसा मत कह। क्यों ना बोलूं मां, अगर दोष मेरी कुंडली में नहीं होता तो क्या सुजीत की जान पर बना थी? बेटा मेरा गला बहुत सूख रहा है, बेटा थोड़ा पानी ला दो। माँ क्या कह रही हैं आप? प्लीज मत उठिए, आपको तकलीफ होगी। तकलीफ तो मुझे हो रही है तेरी बातें सुनकर। क्या जरूरत थी सबके सामने अपनी कुंडली को दोष देने की? जिस बात को मैं छुपाने की कोशिश कर रही हूँ तो उसी बात को बार बार क्यों दोहरा रही है? बेटा मैं दूध की जली हूँ, इसलिए छाछ भी फूक फूक कर पीऊंगी। बेटा ये सब मैं तेरे लिए, तेरी खुशियों के लिए कर रही हूँ, ताकि कल कोई मेरी बेटी पर या उसकी कुंडली पर दोष ना लगा पाए। अगर तुम खुद ही अपनी तकदीर को कोसती रहोगे तो दूसरों को मौका मिल जाएगा ना तुम पर लांछन लगाने का। तो तकदीर भी हमारा साथ दे रही है। कोई नहीं कहेगा कि तेरी कुंडली में दोष है। याद है काकुल ने क्या कसम खाई थी कल रात को? उसने अपने पैरों में अपने आप ही कुल्हाड़ी मार दी। तू देखती जा कैसे सारा किया धरा काकुल के माथे पर मर दिया जाएगा। हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, तकदीर हमारे साथ ये खेल नहीं खेल सकती। पहले दीदिया और भाउजी अच्छी जो सब लोग हमें छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं नहीं सर, कोई गलत फहमी हुई है। सम्माना प्लीज फोन कीजिए, हम आपसे विनती करते, फोन लगाइए बाबूजी जीजू को। सम्मान बेटा, मुझे मेरी बहू के विश्वास पे विश्वास हो रहा है, जरूर कुछ गलत फहमी हुई होगी, फोन कर दे बेटा। सम्मान बेटा, अगर काकुल और अम्मा को इतना विश्वास है तो हमें भी उम्मीद रखनी चाहिए। क्या हुआ? बिल बजरी पापा,
क्या हो बेटा, बेल जा रही थी तो अब क्या हुआ? किसी ने फोन काट दिया। शायद बाबूजी जी चुका गए। बेटा, हम बिल्कुल ठीक हैं। देखो, देविका जी, हम ठीक हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक हैं। अरे, हम बिल्कुल बिल्कुल ठीक हैं। देखिए, सब ठीक है। आइए ना। अरे, खुश रहो बेटा। आइए आइए, आओ बेटा। नमस्कार समधन जी। खुश रहो बेटा। क्या हो गया था अभिषेक? हमने तो टीवी पर खबर देखी और हमारे तो पैरों की जमीन सरक गई। हमने भी थोड़ी देर पहले ही सुना था। सच कहते हैं समधी जी, आप दोनों को देखकर जान में जान आ गई। भाई, मैं तो ये कहती हूँ कि आपको किसी की अच्छी किस्मत ने बचा लिया है। बिल्कुल सही कह रही है समधन जी, ये तो बस आपकी शुभकामनाओं का फल है। और सबसे ज्यादा हमारी काकुल और वो नन्हा चिराग, इनकी अच्छी किस्मत का फल है। और जानती है समधन जी, जाको राखे साइयां, मार सके ना को। हमको क्या लगता है कि हमें हमारी बंदूक की किस्मत में बचा लिया आज? हुआ यूं कि हम हमारा बंदूक का जो लाइसेंस है वो घर में भूल गए। अब लाइसेंस के बिना बंदूक नहीं आ सकता था, बंदूक के बिना नहीं आ सकते थे। तो अच्छा हुआ कि वो बंदूक लेने घर चले गए वापस, तो ससुर फ्लाइट छूट गया, नहीं तो हम विदा ले लेते आज विदाउट लाइसेंस। अंत भला तो सब भला। आप लोग यहाँ बैठिए, मैं मिठाई लेकर आती हूँ। मम्मी जी, हम। अरे काकू, तुम कहाँ जा रही हो? तुम यहीं बैठ के अपने बाबूजी के साथ बातें करो, मन हल्का हो जाएगा। अरे तकल्लुफ मत कीजिए, हमें तो वैसे भी अब निकलना है। मुंबई आने में पहले ही देर हो गया है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है गोवंडी में हमको, तो हम। देखिए, मुझे वैसे पनवेल काम है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे, आप ही करा दी। बहुत ही नसीब वाली है हमारी बहू, वरना लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते इसके नसीब के बारे में।
अरे आप अचानक रोने काहे लगे भाई? अरे काकुल बेटा देखो इसको, इसके तो रोने की आवाज तुम्हारे घर तक पहुंच गई होगी। क्या हुआ छुटकू, क्यों रो रहे यार? हाँ देखा, देखा कि नहीं तुमने अपने नाना को कैसे सता रहा, कैसे चुप हो गया? चीचू अब तक नहीं आए बाबूजी। नहीं बेटा वो फोन आया था उनका, वो आ ही रहे होंगे। बेटा क्या है कि जब ये डिसाइड हो गया कि मुंबई में ही उनको रहना है, घर बसाना है, तो कुछ कामकाज तो करना होगा ना, तो उसी सिलसिले में वो गए थे बाहर, तो आ ही रहे होंगे। और बड़े दामाद जी कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो हम तो जो है सिर्फ इतना मनाते हैं कि वो सुखी रहे, सफलता उनके जीवन में आए, वो फिर से शुरू करें अपना जीवन फिर से, समझ रही हो ना? तो अब हम कैसे बात करें? इशारे में तो हम कई बार कह चुके हैं, तुम बात करो, वो तुम्हारी बात टालेंगे नहीं, एक बार करके देखो। और त्रिशा बेटा की भी तो यही इच्छा थी ना, और हमने आज तक नहीं देखा है उनको कि वो त्रिशा बिटिया की इच्छा का पालन न करें। हाँ बाबूजी, हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं। अच्छा कौन है? देविका दीदी। तुम भी हमारे प्यार, जिंदगी में त्रिशा की जगह उसके मकाम को खैरात समझ रखा है तुमने, जिसे मर्जी होगी बांट दोगी तुम। काकुल हवाई किले बनाना छोड़ दो, हमारी जिद के आगे ढह जाएंगे और हमें इस बात का अफसोस रहेगा कि हमने अपनी साली को बहन से बढ़ के काय माना, जो अगर आप इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं तो दोनों परिवारों में खुशियों की शहनाइयां बच जाएगी, वरना हम ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे घर वाले अपने औलाद के लिए दूसरों की खुशियां तो छीन सकते लेकिन दूसरों की झोली में खुशियां डाल नहीं सकते। क्यों ना हम यही कॉफी शेयर करें?